पिछले वीडियोस में हमने इंट तक का मेमोरी रिक्वायर्ड्स इन बाइट्स रेंज और फॉर्मेट स्पेसिफायर कवर कर लिया है, इसलिए इस वीडियो में हम डायरेक्टली स्टार्ट करेंगे लॉन्ग इंट से। तो जैसे कि आपको पता है कि लॉन्ग इंट के लिए जो रिक्वायर्ड मेमोरी इन बाइट्स है वो है 4 बाइट्स, और इसकी जो रेंज है यानी कि लॉन्ग इंट के लिए जो रिक्वायर्ड रेंज है यानी कि लॉन्ग इंट में इतने बड़े नंबर से लेके इतने बड़े नंबर तक रिप्रेजेंट किया जा सकता है, यानी कि लॉन्ग इंट में इस नेगेटिव नंबर की रेंज से लेके इस पॉजिटिव नंबर की रेंज तक आने वाले जितने भी नंबर हैं उन सारे नंबर्स को क्या किया जा सकता है, रिप्रेजेंट किया जा सकता है। लॉन्ग इंट के लिए जो फॉर्मेट स्पेसिफायर है वो है परसेंटेज LD। इसके बाद आता है अनसाइंड लॉन्ग इंट, तो अनसाइंड लॉन्ग इंट के लिए जो मेमोरी रिक्वायर्ड्स इन बाइट्स है वो है 4 बाइट्स। अनसाइंड लॉन्ग इंट में सिर्फ और सिर्फ पॉजिटिव नंबर को रिप्रेजेंट किया जा सकता है, इसमें ज़ीरो से लेके इतने बड़े नंबर को रिप्रेजेंट किया जा सकता है। अनसाइंड लॉन्ग इंट के लिए जो फॉर्मेट स्पेसिफायर है वो है परसेंटेज LU। इसके बाद आता है लॉन्ग लॉन्ग इंट, तो लॉन्ग लॉन्ग इंट में जो मेमोरी रिक्वायर्ड इन बाइट्स है वो है 8 बाइट्स, और इसमें -2^63 to 2^63 -1 इतने बड़े नंबर को रिप्रेजेंट किया जा सकता है। लॉन्ग लॉन्ग इंट के लिए जो फॉर्मेट स्पेसिफायर है वो है परसेंटेज LLD। इसके बाद आता है लॉन्ग इंट, तो अनसाइंड लॉन्ग लॉन्ग इंट का जो मेमोरी रिक्वायर्ड इन बाइट्स है वो है 8 बाइट्स, और अनसाइंड लॉन्ग इंट में ज़ीरो से लेके इतने विशाल का इतने बहुत बड़े नंबर को रिप्रेजेंट किया जा सकता है। अनसाइंड लॉन्ग लॉन्ग इंट में जो फॉर्मेट स्पेसिफायर यूज़ होता है वो है परसेंटेज LLU। इसके बाद है साइंड कैरेक्टर, तो साइंड कैर में जो मेमोरी रिक्वायर्ड इन बाइट्स है वो है 1 बाइट्स, इसका जो रेंज है वो है -128 to 127, और इसका फॉर्मेट स्पेसिफायर जो है वो है परसेंटेज सी। इसके बाद आता है अनसाइंड कैरेक्टर, अनसाइंड कैरेक्टर के लिए जो मेमोरी रिक्वायर्ड इन बाइट्स है वो है 1 बाइट, और इसकी जो रेंज है वो है 0 to 255। अनसाइंड कैरेक्टर का जो फॉर्मेट स्पेसिफायर है वो है परसेंटेज सी। अनसाइंड कैरेक्टर और साइंड कैरेक्टर के लिए यहाँ पर जो फॉर्मेट स्पेसिफायर है वो सेम है, हो सकता है कुछ डेटा टाइप्स के लिए आपको सेम फॉर्मेट स्पेसिफायर देखने को मिले। जितने भी फॉर्मेट स्पेसिफायर लिखे गए हैं अधिकतर फॉर्मेट स्पेसिफायर को स्मॉल लेटर्स या फिर लोअर केस लेटर्स में ही रिप्रेजेंट किया गया है, बहुत ही कम या फिर कुछ एक्सेप्शन फॉर्मेट स्पेसिफायर ही आपको मिलेंगे जिन्हें कि कैपिटल लेटर्स में रिप्रेजेंट किया जाएगा। इसके बाद हम आते हैं फ्लोट डेटा टाइप पे, तो फ्लोट डेटा टाइप के लिए जो रिक्वायर्ड मेमोरी है वो है 4 बाइट, इसका फॉर्मेट स्पेसिफायर है परसेंटेज F। डबल नाम के डेटा टाइप के लिए जो रिक्वायर्ड मेमोरी है वो है 8 बाइट्स। डबल के लिए यहाँ पर जो फॉर्मेट स्पेसिफायर यूज़ होगा वो है परसेंटेज LF। इसके बाद आता है लॉन्ग डबल, तो लॉन्ग डबल के लिए जो रिक्वायर्ड मेमोरी है वो है 12 बाइट्स, और इसके लिए जो फॉर्मेट स्पेसिफायर यूज़ होगा वो है परसेंटेज LF। जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं कि लॉन्ग डबल के लिए जो फॉर्मेट स्पेसिफायर यूज़ हुआ है वो यूज़ हुआ है परसेंटेज LF। यहाँ पर लॉन्ग डबल के लिए जो फॉर्मेट स्पेसिफायर परसेंटेज LF यूज़ हुआ है उसमें L कैपिटल में है, जबकि डबल के लिए जो फॉर्मेट स्पेसिफायर है उसमें परसेंटेज LF क्या है, पूरे के पूरे स्मॉल में है। तो इस बात का आपको ध्यान रखना है कि कहाँ पर कैपिटल यूज़ होना है और कहाँ पर स्मॉल। यहाँ पर जैसे कि फ्लोट डबल और लॉन्ग डबल के लिए यहाँ पर रेंज यहाँ पर नहीं दिखाई दे रहा, तो इसका मैं आपको यहाँ पर रेंज बता दे रहा हूँ।
तो सबसे पहले हम आते हैं फ्लोट के रेंज के बारे में। तो सबसे पहले फ्लोट का रेंज मैं आपको बताऊंगा। तो फ्लोट का रेंज है 3.4, फ्लोट का रेंज है 3.4e - 38 e फॉर एक्सपोनेंशियल नंबर। ये जो है ये है फ्लोट का रेंज। इसके बाद मैं आपको बताऊंगा डबल डेटा टाइप के रेंज के बारे में। तो डबल डेटा टाइप का जो रेंज है वो है 1.7e - 308 - 308 to 1.7e + 308। ये जो है ये डबल का रेंज है। इसके बाद मैं आपको बताऊंगा लॉन्ग डबल की रेंज के बारे में। तो लॉन्ग डबल का जो रेंज है वो है 3.4e - 4932 - 4932 to 1.1 1.1e + 4932। ई का मतलब एक्सपोनेंशियल से है। इस वीडियो में बस इतना ही। इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू।